दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डाक पे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हाल ही में इंडियन पोस्ट ऑफिस ने लॉन्च किया है। डाक पे एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस के, और आप चाहे तो QR कोड को भी स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको डाक पे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब घंटे होगा उसको भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डाक पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाक पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे सर्च में टाइप कीजिएगा डाक पे, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको सिंपल सा ओपन के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ परमिशन मांगे तो आपको यहाँ से परमिशन को दे देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड करते हुए नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको उस सिम को सिलेक्ट करना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड हो। तो हमारा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड सिम वन है यानी कि एयरटेल का सिम है, तो मैं यहाँ से सिम वन को सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों इसके साथ में आप सबको एक बात को ध्यान देना है कि आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आउट गोइंग इनकमिंग सर्विस चालू होना चाहिए, तभी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, इसके नीचे आपको लास्ट नेम डालना है, और इसके नीचे आपको ईमेल आईडी डालना है, इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, चाहे तो आप डेट ऑफ बर्थ को छोड़ भी सकते हैं। इसके नीचे आपको मेल फ्रेंड सेलेक्ट करना है कि आप क्या हो, और इसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके नीचे आपको 4 नंबर का पासवर्ड सेट करना है, और नीचे कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को डाल देना है। दोस्तों आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो यही आपको 4 नंबर का पासवर्ड डालना होगा, और इसी 4 नंबर का पासवर्ड डालकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। सभी डिटेल को फिल कर लेने के बाद में आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, तो आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। इस बॉक्स को टिक करने के बाद में आपको सिंपल से यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपल से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जिससे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है या सर्च करना है। दोस्तों आपका बैंक का नाम इसमें नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना बैंक का नाम यहाँ पे सर्च कर दिया। बैंक का नाम सर्च होने के बाद में आपका बैंक का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर सिंपल से एक बार क्लिक कर देना है, तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सबको एक बात को ध्यान देना है कि यदि अपने बैंक के साथ में पहले से कोई भीम UPI ID या भीम UPI पिन को नहीं आपने बनाए होंगे तो यहाँ पे आपको भीम UPI पिन बनाने का ऑप्शन आएगा, तो आपको UPI पिन को क्रिएट करना है। तो आपको क्रिएट UPI पे क्लिक करना है, तो आपका ATM कार्ड का डिटेल पूछेगा, तो आपको 6 नंबर का आखिरी का ATM कार्ड का नंबर डालना है, और इसके नीचे ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट डालना है मंथ और ईयर। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। OTP को आपको सबसे ऊपर डालेंगे, और इसके नीचे आपका जो ATM पिन है 4 नंबर का उस पिन को डालेंगे, और सबसे नीचे 4 नंबर का या 6 नंबर का UPI पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर का या 6 नंबर का UPI पिन को डालना है। इसको तो आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है, फिर आपको कन्फर्मेशन के लिए फिर उसी UPI पिन को दोबारा से डालना है, फिर आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है, तो आपका UPI पिन सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों अपने जो 6 नंबर का या 4 नंबर का UPI पिन को क्रिएट करेंगे उस UPI पिन को याद रखना है, क्योंकि जब भी आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आपका UPI पिन मांगा जाएगा। दोस्तों इस बैंक के साथ में मैंने पहले से UPI पिन को बनाया है, इसलिए यहाँ पे हमें UPI पिन बनाने का ऑप्शन नहीं आया है, हम डायरेक्टली उसी UPI पिन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है 6-डिजिट UPI पिन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, यानी कि इस एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप जब भी ओपन कीजिएगा तो इसी तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप अपने खाते से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, या अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। इसमें और भी बैंक अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, डिफॉल्ट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से उस बैंक का नाम यहाँ पे सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यदि अपना बैंक अकाउंट को बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है पे स्लैश ट्रांसफर।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया है चेक बैलेंस, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों आपने जो UPI पिन को बनाया है उस UPI पिन को डालना है, इसके बाद आपको राइट क्लिक पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, और आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारे खाते में 93 रुपी है, तो यहाँ पे 93 रुपी दिखा रहा है। तो इस तरह से अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं। किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है पे स्लैश ट्रांसफर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है। यदि आप किसी का UPI ID या अकाउंट नंबर से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। और दोस्तों यदि आपने एक से अधिक अकाउंट इसमें ऐड करके रखे हैं और चाहते हैं आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो इसके लिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ट्रांसफर। और दोस्तों यदि आप किसी का मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है UPI ID/account। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यदि आप किसी का UPI ID को डालकर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको UPI ID को डालना है जहाँ पे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, और इसके नीचे आपको अमाउंट डालना है कि आप कितने पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके नीचे रिमार्क पूछ रहा है कि आप किस पर्पज के लिए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। या आप चाहते हैं किसी का अकाउंट नंबर IFSC कोड डालकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है सेंड टू अकाउंट प्लस IFSC। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक की अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, और इसके नीचे अकाउंट नंबर को दोबारा से डाल देना है, और इसके नीचे IFSC कोड डालना है। दोस्तों यदि आप जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक की IFSC कोड आपको पता नहीं है तो यहाँ से IFSC कोड को सर्च भी कर सकते हैं सर्च IFSC पे क्लिक करके। फ्रेंड्स हम जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं वह अकाउंट नंबर को यहाँ पे डाल दिए हैं, और इसके नीचे अकाउंट नंबर को दोबारा से डाल दिए हैं, और इसके नीचे उस बैंक की IFSC कोड को डाल दिए हैं। इसके बाद आपको सिंपल सा वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस, इसके बाद आपको फिर से वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, और आप जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं वह अकाउंट वह खाता जिनके नाम से होगा उनका नाम यहाँ पे सर्च कर लेगा। तो इसे आप कन्फर्म कर लीजिएगा कि आप जिस खाते में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं वह अकाउंट नंबर सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाला था, IFSC कोड डाला था, तो यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है, हमारे नाम से खाता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस है, यानी कि हम जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं वह बेनिफिशियली सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप बैंक आ जाएंगे। पैसे को ट्रांसफर करने के लिए जहाँ पे लिखा हुआ PID आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो पहले से बेनिफिशियली को ऐड करके रखे होंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि हमने एक बेनिफिशियली को ऐड किया था तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यदि इनके पास पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। इसके नीचे आपको अमाउंट डालना है कि आप कितने पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं दिखाने के लिए यहाँ पे 10 रुपये डालता हूँ। इसके नीचे रिमार्क पूछ रहे हैं, यानी कि किस पर्पज के लिए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, हाय हेलो थैंक्स कुछ भी लिख सकते हो, या इसको छोड़ भी सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं मेकिंग वीडियो। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंफर्मेशन स्क्रीन ओपन होगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों आप जहाँ पे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, और अमाउंट सब कुछ जब सही है तो आपको सिंपल से यहाँ पे कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों आपने जो पहले से UPI पिन को आप बनाए होंगे उस UPI पिन को यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको राइट क्लिक पर क्लिक करना है। जैसे ही अपना UPI पिन को डालने के बाद में आप राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और आपका पैसे सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप डाक पे एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस पर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। फ्रेंड्स आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।